नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पीएम मोदी इस उम्र में भी खूब काम करते हैं। पीएम मोदी इतने कर्मठ हैं कि उन्होंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। देश की सेवा करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ते। जब पीएम मोदी की मां का निधन हुआ था, उसी दिन से पीएम मोदी अपने काम पर लौट गए थे। इसी से पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री अपने काम से कितना प्यार करते हैं। लेकिन पीएम मोदी के कुछ आलोचक हैं जो हमेशा ही उन पर बयानबाजी करते रहते हैं। मोदी विरोधी हर बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलते हैं और हर बार ट्रोलिंग का शिकार भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बौखलाहट निकालने से बाज नहीं आते। मोदी विरोधियों में एक नाम प्रकाश राज का भी है। फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने वाले एक्टर प्रकाश राज पीएम मोदी पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अब प्रकाश राज ने पीएम मोदी के काम पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक क्लिप शेयर किया है जिसके जरिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि पीएम मोदी विदेशों की यात्रा अपने बिजनेसमैन दोस्तों के लिए करते हैं, उनके फायदे के लिए करते हैं, देश की जनता के लिए नहीं। प्रकाश राज ने अंबानी और अडानी को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा और उनके काम करने पर सवाल उठाए। प्रकाश राज ने ट्वीट कर लिखा, वर्किंग 18 आवर्स अ डे नॉन स्टॉप जस्ट आस्किंग। अब पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह का बयान देना प्रकाश राज को भारी पड़ गया। लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर दिया है। जैसे एक यूजर ने लिखा, प्रकाश आपकी प्रिय कांग्रेस कभी अडानी से प्यार करती थी और दिसंबर 2004 में सोनिया गांधी ने अडानी को FCI वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपए का ठेका दिया था, लेकिन अब कांग्रेस अडानी से नफरत करती है क्योंकि अब अडानी मोदी का दोस्त बन गया है, पाखंडी। एक और यूजर ने लिखा, अगर आप फिर से चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम वही होगा, अपना समय बर्बाद ना करें, तुष्टिकरण आपके लिए काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, सिंघम आएगा फिर तू बोलेगा चीटिंग करता है, सबसे बड़ा विलेन तो तू है। एक और यूजर ने लिखा, अबे येड़े 2 रुपए हैं तेरा भाव। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, सर आर यू देयर एट द टाइम ऑफ मिस्टर मोदी जी ट्रैवल टीम जस्ट आस्किंग। एक और यूजर ने लिखा, दम है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ इस आरोप के साथ लड़े, क्या आप में हिम्मत है? तो देखा आपने, प्रकाश राज को पीएम मोदी के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया। बता दें ये पहली बार नहीं जब प्रकाश राज पीएम मोदी पर तंज कसते हुए नजर आए हों। इससे पहले भी वो कई बार पीएम मोदी पर बयानबाजी कर चुके हैं, हालांकि हर बार ऐसा करके वो लोगों के निशाने पर ही आते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।